बिना प्लानिंग और बहुत सारी वार्निंग्स को अनदेखा करते हुए किए गए विकास की वजह से आज जोशीमठ सिंक हो रहा है, यानी कि जमीन में धस रहा है। सही कारणों का तो अभी पता नहीं चला है, पर माना जा रहा है कि अनप्लान कंस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन, हाइड्रो पावर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर लेन हाईवेज, स्ट्रीम्स का रास्ता बदलना, जो नदियों का पानी है उसके स्ट्रीम्स को बाधित करना यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन बना, सड़कों और मकानों में दरारें पड़ने शुरू हो गई और मटमैला पानी देखा जा रहा है। और इतने सारे लोगों को अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कैंप में रहने के लिए जाना पड़ रहा है। अधिकारियों ने इस इलाके को लैंडस्लाइड और सब्सिडेंस हिट जोन घोषित कर दिया है, मतलब कि रहने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के साथ अगर हमने यही बर्ताव रखा तो आगे शायद इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड की हमें घटनाएं देखने को मिलेंगी। अमेरिका के NOAA के अनुसार जमीन के नीचे मूवमेंट की वजह से लैंडस्लाइड होता है, और ये लैंडस्लाइड बहुत सारी वजह से हो सकता है जिसमें भूकंप, सॉइल इरोजन और सॉइल कॉम्पैक्शन भी शामिल है, रिमूवल ऑफ ऑयल वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज अलोंग विद माइनिंग एक्टिविटीज भी इसका एक कारण है। 50 साल पहले मिश्रा कमेटी ने भी वार्निंग दी थी कि बिना प्लानिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जोशीमठ टाउन एंशियंट लैंडस्लाइड साइट पे बना हुआ है, और ये बना हुआ है सैंड और स्टोन से, मतलब यह है कि जोशीमठ मिट्टी और पत्थर पे खड़ा है, ना कि रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से भुरभुरा है और अनस्टेबल भी है, और इसी की वजह से जमीन की वजन सहने की क्षमता भी कम है, यानी लो बेयरिंग कैपेसिटी है। तो अगर ज्यादा लोड होगा तो खतरा बढ़ जाए, और जिस हिसाब का कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा था, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को वो नहीं झेल पाएगा। पर किसी ने एक ना सुनी। जोशीमठ में प्रॉपर ड्रेनेज भी नहीं है, तो जोशीमठ में क्या हो तो इंडिया में बहुत सारे शहरों में नहीं, एक तो वो अच्छा था भी नहीं, और जितना था वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं था। चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि घंटी बजे जंगल 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 जंगल। जोशीमठ में नालों का पानी अंदर चला जाता था, और जब वो नीचे आता था तब वो बाहर आ जाता था, और वो पानी काफी मटमैला होता था। ऊपर बहने वाली स्ट्रीम से पानी रिसता था, जिसने जोशीमठ की मिट्टी को कमजोर कर दिया था। 2013 की हिमालयन सुनामी में आए हुए कचरे ने वहां के नालों को ब्लॉक कर दिया था। ऋषि गंगा में आई बाढ़ और अगस्त से अक्टूबर 2021 में आई बरसात ने स्थिति को और खराब कर दिया था। बारिश और बर्फ पिघलने से आया पानी नीचे जाके मिट्टी को डिस्टेबलाइज कर देता है, और इस वजह से जमीन धंसने लगती है, जिसको कि लैंड सब्सिडेंस बोलते हैं। ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से भी सब्सिडेंस होता है, यानी कि जमीन धंसती है। सुरंग और रोड बनाने के लिए किए गए ब्लास्ट और हैवी ट्रैफिक की वजह से हुए वाइब्रेशन की वजह से भी नेचुरल फैक्टर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिश्रा कमेटी की एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन ये भी थी कि उस एरिया के पेड़ ना गिरे। 2007 की एक स्टडी में पता चला था कि जोशीमठ बद्रीनाथ कॉरिडोर में मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जोशीमठ ही है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होने के यानी कि पहाड़ गिरने के चांसेस हैं, वो जोशीमठ ही है। लोकल लोगों का ये भी मानना है कि NTPC की विष्णुघाट तपोवन पावर प्रोजेक्ट भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये 520 मेगावाट का प्लांट है। साल 2021 में फ्लैश फ्लड की वजह से साइट पर 139 मजदूरों की जान चली गई। ऐसा कहा जाता है कि सुरंग में पानी के रिसाव की वजह से जोशीमठ के पानी के सोर्स सूख गए थे। जानकारों का मानना है कि ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि NTPC ने इन आरोपों को नकारा है, और उसने बताया कि ये सुरंग जोशीमठ के नीचे से नहीं जाती है, और इस सुरंग को टनल बोरिंग मशीन से बनाया गया है। कुल डैमेज घरों की संख्या 700 से ऊपर है, और कुल 99 परिवारों को रिलीफ कैंप में भेजा गया है। जोशीमठ के पास के रायनी और कर्णप्रयाग में भी क्रैक्स देखे गए। उत्तराखंड में अकेले 66 टनल्स बनाई जा रही है, और साथ में बांध भी बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए विशेषज्ञों ने बार बार चेताया था। यहां बनाई जा रही 900 किलोमीटर लंबी चार धाम ऑल वेदर रोड, जिसकी वजह से हजारों पेड़ काटे गए और नदियों का रास्ता बदला गया, उसकी वजह से एक्वीफर्स डैमेज हो गए हैं। साथ ही विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी खुदाई भी की गई है। इसके साथ साथ रेल लाइन भी डाली जा रही है, जिसमें कई सारी सुरंगें बनाई जा रही है, जबकि ये इलाका हाई सीस्मिक जोन में आता है, यानी अर्थक्वेक प्रोन है, यानी कि यहाँ पे भूकंप के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये काफी खतरनाक है, और इसी वजह से यहाँ पे काफी लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। ऑल वेदर रोड बनाने के चक्कर में काटे गए पेड़ों की वजह से अब ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट की और ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। एक्सपर्ट बहुत सालों से सरकार को इस बारे में वार्निंग दे रहे हैं। NDTV के अनुसार 10 जनवरी की रात तक भी पहाड़ों को खोदने का काम जारी था। चीन की सीमा पास है, इसलिए जोशीमठ एक बहुत महत्वपूर्ण आर्मी केंद्र भी है। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी और इंडियन बिजनेस स्कूल के रिसर्च डायरेक्टर अंजल प्रकाश का मानना है कि हाइड्रो पावर प्लांट इस चीज के लिए जिम्मेदार है। वो ये भी मानते हैं कि जो पानी निकल रहा है वो टनल की खुदाई करते टाइम में निकलना शुरू हुआ है, और जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है। उनका ये भी मानना है कि जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है वो हाइड्रो पावर प्लांट के होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा है, और जोशीमठ इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें पहाड़ों पे क्या नहीं करना चाहिए। सरकार ने 2013 के केदारनाथ और 2021 के ऋषिगंगा फ्लड से कुछ भी नहीं सीखा। उत्तराखंड सीस्मिक जोन 5 और 6 में आता है, जहाँ पे भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास रोड, जो कि चार धाम रोड का एक हिस्सा है, इसके लिए की गई ड्रिलिंग और ब्लास्ट ने पूरे शहर को डिस्टेबलाइज कर दिया है, और इसे और ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन बना दिया है। जानकारों ने सारे डेवलपमेंट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए एडवाइस दिया है। शहर का ड्रेनेज और सीवर बहुत खराब है, जिसकी वजह से पानी नीचे जा रहा है और मिट्टी को कमजोर कर रहा है। सिंचाई विभाग को कहा गया है कि वो नया ड्रेनेज प्लान बनाए।
एक्सपर्ट ने पेड़ लगाने को भी कहा है क्योंकि पेड़ मिट्टी को रोक के रखते हैं। अक्टूबर 21 में पहली दरार देखी गई थी कुछ घरों में। 7 महीने में इसकी रफ्तार 8.9 सेंटीमीटर थी और पिछले 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा धस गया है जोशीमठ। सरकार ने आपदा का सलूशन निकालने में भले ही कोई जल्दी ना दिखाई हो, पर इस बात में बहुत जल्दी दिखाई है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अब बाहर जा ना सके और सच को छुपाने की पूरी तैयारी कर ली है। NDMA ने सभी सरकारी डिपार्टमेंट को बोला है कि वो मीडिया से बात ना करें और सोशल मीडिया पे कोई भी डेटा ना डालें। उनका कहना है कि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया गया था कि जोशीमठ कितनी तेजी से धस रहा है, उसको हटा दिया गया है। सरकार ने सारी उस रिपोर्ट और सारे एक्सपर्ट्स को बोला है टॉक टू माय हैंड, जिन्होंने ये बात बोली थी कि इस जगह हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए और सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चालू रखा। अब ऐसी बिल्डिंग्स को गिराने का काम शुरू हो गया जिनमें बहुत सारी दरारें हैं और 2 होटलों को सबसे पहले गिराया जा रहा है। सरकार ने 1.5 लाख लोगों को देने को कहा है और सभी जानकारियों को दबाया जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी सरकार को बिजनेस की पड़ी है और वो ये कह रही है कि इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी ना की जाए जिससे टूरिस्ट के इनफ्लो पे असर पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ 20-25% मकानों में ही दरारें आई हैं, यानी कि वही इफेक्टेड हुए हैं। औली में विंटर गेम्स होने हैं और उसके बाद 4 धाम यात्रा होनी है। अगर जोशीमठ से अभी हमने कोई सबक नहीं सीखा तो पहाड़ों में और ज्यादा बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। पहाड़ों में डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो वहाँ के हिसाब से हो, और हम लोग कितना भी कोशिश कर लें हम मैदानों के सिटीज को रेप्लिकेट पहाड़ों में नहीं कर सकते। अंत में फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद टाइम बर्बाद किया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।